तो हेलो भाई और बहन, कैसे हो? काम कर रहे हो कि नहीं? पहले ये बताओ, ब्लॉगिंग कर रहे हो कि नहीं, कि सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाओगे? कर रहे हो तो बिल्कुल कमेंट से बताना आप लोग कि कर रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, फिर से थैंक यू सो मच। 220 सब्सक्राइबर्स, ये सब तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और ये सब आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैं उन्हीं पर उन पे आइडियाज़ मिल जाते हैं मेरे को अगले वीडियोस का। जैसे अभी एक कमेंट है कि उसने फेमस कोट्स ने कमेंट किया कि भाई ब्लॉग में पिक्चर्स लगाते हैं, पिक्चर्स का साइज़ क्या होना चाहिए, एक्चुअली उनका यही डाउट है। तो भाई आप ही के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या होना चाहिए एक्चुअली में ब्लॉगिंग में, ब्लॉगर में जब हम लोग पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसका साइज़ होना क्या चाहिए, ताकि वो मोबाइल में भी कंफर्टेबली आ जाए। ठीक है, तो इधर भी कोई कमेंट किया है कुछ शायद ब्लॉग में, एक सेकंड। तो अच्छा लगा, अच्छा अच्छा कमेंट लिखे हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपनी लिंक भी डाली है ब्लॉग की, तो बिल्कुल इसको अप्रूव करेंगे। इतना अच्छा आपने कमेंट किया, बैक लिंक भी देंगे हम, क्यों नहीं देंगे अपने वेबसाइट से। तो चलिए आप बात करते हैं कि साइज क्या होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, और साइज से पहले मैं आपको ये बोलूं कि आप अगर अपने फोटोज को बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे के वीडियोस में देख लिया कि सिंपली आप गए किसी वेबसाइट में, जैसे पिक्साबे, पिक्सेल्स, ये सब जो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस देती हैं, ऑफकोर्स देती हैं। मैं आपको इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देता हूँ, पहले पिक्चर बनाते कैसे हैं ये जान लीजिए। तो कैनवा नाम का एक वेबसाइट है, canva.com, यहाँ पर आपको जाना है सिंपल से। यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन में क्लिक करना है और लोगो सिलेक्ट करना है, जो कि होता है 500x500 pixels का। ठीक है, देखिए लोग क्या करते हैं कि ब्लॉगिंग में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगो का साइज ही चूरें, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज होगा ना उतना ज़्यादा आपके साइज बढ़ जाएगी इमेज की। ठीक है, तो ये सब वेबसाइट की स्पीड में भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको लोगो वाला ही सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, और यहाँ से आपको अगर मान लीजिए आपका आर्टिकल है ईयरफोन्स के ऊपर, ठीक है, लेट सपोज, तो यहाँ सिंपली आपके में पिक्साबे नहीं दिख रहा होगा ना, तो यहाँ मोर में जाके आपको यहाँ पिक्साबे या पिक्सल्स दोनों में से किसी एक को इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है, क्लिक करना है। जैसे पिक्सल्स खुल गया, पिक्सल्स आपको यहाँ पर मैं लिख दिया ईयरफोन, देखिए इतने सारे ईयरफोन्स आ गए। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, और ईयरफोन सर्च किया तो देखिए फटाक से ऐसे लगाना है। सेट एज बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट किया मैंने, थोड़ा सा इमेज को मैं नीचे कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक खुद की इमेज बनाना ज़रूरी होता है, तो एलिमेंट में जाऊँगा और यहाँ लिख दूंगा स्क्वायर। ये एक एलिमेंट में उठाया और इसको थोड़ा सा लंबा किया, थोड़ा सा ऐसे लंबा किया, और हल्का सा शॉर्ट, और हल्का सा शॉर्ट, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। डिज़ाइन कैन नॉट बी सेव्ड, योर डिज़ाइन बिकम इनवैलिड। क्यों? आई डोंट नो क्यों। तो फिर यहाँ पर इसको मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ इसको कलर में जाऊंगा, यहाँ ब्लैक कलर चूज करूंगा, और इसी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ये देखिए ओपेसिटी कम हो गई। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट में जाने के बाद एक टेक्स्ट लगा दूंगा, ईयरफोन अंडर 2000 रुपीज। ठीक है, और इसका कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट कलर में जाके मैं वाइट सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा इसका साइज में बढ़ा दिया। ये हो गया हमारा इमेज तैयार। इसको डाउनलोड करने के बाद, वाईफाई तो चल रहा है ना, वाईफाई तो चल रहा है, सो इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ऐसा इश्यू पहली बार आ रहा है, आई गेस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, पर कोई नहीं, हम इसको सेविंग एरर भी दिखा रहा है ये बार बार, तो क्या रीज़न है इसका? डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, तो रीलोड कर लेता हूँ मैं।
ओके, वेबसाइट शायद से चेंज हुई है, पर कोई नहीं, हमारे पास कैनवा डाउनलोडेड है तो हम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, ऑल योर डिजाइन्स एंड एरा, और फटाक से मैं इसमें वापस से वैसी कर रहा हूँ, और मैंने वैसी कर दिया, और डाउनलोड पे ऑप्शन में जाऊंगा और जेपीजी को सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरी इमेज की साइज है वो और कम रहे। क्वालिटी कम होती नहीं है लेकिन ठीक है, क्वालिटी के बदले आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईयरफोन और सेव कर देता हूँ। फिर मैं अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाऊंगा, तो हमारा ये डेमो अकाउंट नहीं है, डेमो अकाउंट मेरा इसमें है। और फिर उसके बाद मैं न्यू पोस्ट, और यहाँ पर इमेज को अपलोड करने के लिए इंसर्ट इमेज और फॉर फ्रॉम कंप्यूटर मेरे को अपलोड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा एंड मेरा यहाँ पर था ईयरफोन्स के नाम से, तो मैं उसको लिख के एंटर कर दूंगा। ओके, और सिलेक्ट, ठीक है। तो ये 500x500 ही बेस्ट होता है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी साइज को और बढ़ा दूं, लेट सपोज ये लार्ज में जाएगा और इसको अपडेट कर दिया, तो ये अब इसको एक एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको एक एक चीज करके दिखा देता हूँ। तो पहले हम लोग एक्स लार्ज में चलते हैं, ठीक है, और इसका टाइटल ईयरफोन ही डाल देता हूँ एंड पब्लिश कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए बढ़िया है। डेस्कटॉप में देखिए इतना अच्छा दिख रहा है, बड़ा सा, ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये पोस्ट एक्चुअली, हाँ तो यही है, ठीक है। और इसको जैसे ही मैं कंप्रेस करूंगा, ठीक है, तो देखिए आधा पेज तो ये फोन में ये ईयरफोन का ही ये चीज घेर लिया है, ठीक है। तो देखिए ये आधा पेज जो है ये इमेज नहीं घेर लिया, तो ये जो है ये एक तरीके से आपका अच्छा चीज प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो हम जाएंगे वापस से किधर, अपने ईयरफोन्स के अंदर, और इधर जो आपको साइज रखनी चाहिए वो या तो स्मॉल या तो मीडियम में ही होना चाहिए। मीडियम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना अच्छा ही है, ठीक है। और फिर पोस्ट के अंदर जाएगा, तो यार ये पोस्ट के अंदर नहीं जा रहा है क्या, स्टाइल एंड टाइम ये सब क्यों, कि यही पोस्ट है, होम है ये तो, अच्छा होम है, फिर उसके बाद रीड मोर और ये अपडेट, तो एक बार वापस से करके देखते हैं। ओके, सो ये थीम में जो है, ये थीम में इमेज सेटेड है कि इमेज की साइज इसको हमेशा ऊपर ही रखनी है और यही इमेज की साइज रखनी है, तो ये थीम में उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा है, हमको दूसरा थीम में देखना पड़ेगा। तो देखो यार, मतलब कई वाले थीम में ना ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, आपको इतना देखिए देखिए ये है, जैसे ये वाली वेबसाइट है इसमें सेटेड है, आपको दिखा देता हूँ, ये सेटेड है कि इसी फॉर्मेट में आपको इमेज रखनी है चाहे वो कितना भी साइज का हो, ठीक है। तो आपको अगर मैं इसका फर्स्ट इमेज देखिए, फर्स्ट इमेज होता है, ठीक है, यानी ये जो है ऊपर का इमेज होता है, और यहाँ पर ये देखिए सारे CSS सेटेड हैं इसके, ठीक है, तो हम इसको नहीं छेड़ सकते, वो थीम में आपको फिर से देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर ईयरफोन लिख के वापस से दूसरी थीम में पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये थीम का नाम था यार, कौन सी थीम थी, हाँ न्यूज़ थीम, तो जो भी मैंने बताई थी वो उन्हीं में से एक थीम। अब देखिए
अब इसमें हम लोग छेड़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए सेटिंग में जाऊंगा और मैं इधर जैसे ही इसको एक्स लार्ज किया तो इसको रिफ्रेश करते हैं। और फोन में जाते हैं और रिफ्रेश। तो देखिए अभी ये फिर से इतना पूरा पार्ट जो है फोटो ही घेर ले रहा है, ठीक है। और अगर जैसे ही इसको रिड्यूस कर दूंगा ना मैं, और रिड्यूस और रिड्यूस, अब देखिए अब इसको अपडेट करते हैं। अब देखिए ये इमेज की साइज ये बेस्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो रखना है वो या तो स्मॉल या तो मीडियम रखना है, आपको लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं जाना है, कई थीम में गड़बड़ कर देता है। देखिए ये साइज होता है मीडियम, ठीक है, आप मीडियम में ही चूज करें, क्योंकि जितना ज्यादा इमेज होगा ना तो उतना ज्यादा तो आपका सिर्फ इमेज ही घेर लेगा और उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लोग इमेज फोन में इतने में देख लेते हैं, ओके। और फिर बाकी फोन्स में भी देखिए कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, आईपैड में कैसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि हर फोन के एक तरीके से अलग अलग वो होते हैं साइज, ठीक है। अब देखिए ये Pixel 2 में ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको मीडियम में ही रखना है ताकि जो है सारे फोन में अच्छे से कवर हो जाए। तो ये थे कि कैसे आप इमेज बना सकते हैं और उनकी साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है। और यही था पूरा चीज़। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।